कबीर थे, बहुत बड़े संत। उनके जीवन में बड़ा आनंद था, पति पत्नी साथ रहते थे, लेकिन कबीर के घर में कभी झगड़े नहीं हुआ करते थे। पड़ोस वाले हैरान हो गए, ऐसा तो कोई घर नहीं होगा जहां पति पत्नी झगड़ा नहीं करें। लड़ाई तो होती होगी बिना सिर पैर की, लेकिन लड़ाई तो होगी ना। पति पत्नी का झगड़ा कोई सीरियस झगड़ा थोड़ी होता है। एक बार क्या हुआ, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, दोनों तलाक लेने पहुंच गए मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट ने कहा, भाई पति पत्नी एक बार और सोच लो, ये झगड़ा मत करो, एक हो जाओ दोनों। बोले नहीं नहीं, अब तो तलाक होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब हम साथ नहीं रहेंगे। अरे तो मजिस्ट्रेट ने कहा, थोड़ा और सोच लो, तलाक मत लो। बोले नहीं, तलाक दीजिए, मैं इस आदमी के साथ एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। तो मजिस्ट्रेट ने कहा, फिर ऐसा करो, तुम्हारी संपदा का आधा आधा बंटवारा कर लेते हैं, आधा पत्नी को दे दो, आधा तुम ले लो। बोले ठीक है, बांट दो। सारी संपदा बट गई, लड़का एक ही था। बोले इसको कैसे बांटे, आधा आधा कैसे करे, कि आधा लड़का तू ले ले, आधा लड़का तू ले ले। पति ने पत्नी को देखा, पत्नी ने पति को देखा। बोले यार ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई, लड़का एक है, बंटवारा बराबर से नहीं होगा। पत्नी ने पति का हाथ पकड़ा, बोले चल घर। बोले क्यों? बोले अगले साल आएंगे। ऐसा तो पति पत्नी का झगड़ा अब एक साल और निभाएंगे, एक और हो जाने दो, बराबर का बंटवारा होना चाहिए। तो पति पत्नी के झगड़ों में ज्यादा सीरियस मत होना, ये तो लड़ते भी हैं और मिलते भी हैं, चलते रहता है इनका। विचार करिए आप, ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में पति पत्नी में झगड़े ना हो। सब जगह झगड़े होते हैं, कबीर के घर में ऐसा नहीं था। बरसों से कबीर अपनी पत्नी के साथ रहता था, लेकिन कबीर ने कभी झगड़ा नहीं किया, पत्नी ने कभी झगड़ा नहीं किया। एक जिज्ञासु ने पूछा कि ऐसा कोई है इस धरती पर जिसके घर में झगड़े ना हो, तो कहा कबीर का घर ऐसा है जहां पति पत्नी कभी नहीं लड़ा करते हैं। जिज्ञासु ने कहा मैं चल के देखता हूं। जैसे ही पहुंचे कबीर के झोपड़े में, कबीर रुई धुनक रहे थे। कबीर से जुलाहा रुई धुनक रहे हैं। जाके जिज्ञासु ने पूछा कि कबीर जी, हमने सुना है कि आप पति पत्नी में कभी झगड़े नहीं होते। कबीर ने कहा यार लड़ने की क्या बात है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, यहां पे कोई नहीं पराया है, सब में तो राम है, लड़ना क्यों। बोली नहीं कबीर, कारण बताओ कि तुम दोनों में झगड़े क्यों नहीं होते। अरे झगड़े तो भाई भाई में हो जाते हैं, भाई बहन में हो जाते हैं, मां बेटे में झगड़े हो जाते हैं, आप दोनों में झगड़े नहीं होते। बोले नहीं, हम लोग कभी नहीं लड़ते हैं। कबीर से पूछा वो मंत्र बताओ कि हम भी अपने घर में ना झगड़े। कबीर ने कहा कि बैठो, आए हो, स्वागत है, बैठो मेरी कुटिया में। कबीर ने अपनी पत्नी को आदेश किया कि अरे भाग्यवान, सुनती है। दोपहर के 12 बज रहे थे, कबीर ने कहा लालटेन जला के ला। पत्नी आई, लालटेन जलाई और रख दी। जिज्ञासु ने कहा पागल है क्या ये, इसीलिए झगड़े नहीं होते। लगता है कबीर तो पागल है ही, ये पत्नी महापागल है। दोपहर को 12 बजे आंगन में, खुले आंगन में इतनी धूप में लालटेन मंगा रहा है, और पत्नी ने लालटेन लाके रख दी। उसने पूछा भी नहीं कि लालटेन का क्या करोगे, लाई और लालटेन रख के पत्नी चुपचाप चली गई। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे उत्तर, पागल लग रहे हो दोनों पागल। कबीर ने कहा पागल ही समझो। कबीर ने कहा ठहर, अभी उत्तर नहीं मिला तुझे। पत्नी को कहा कि अरे भाग्यवान, दो गिलास दूध लेकर आ। पत्नी गई, दूध के दो गिलास लाई, एक कबीर के सामने रखा, एक जिज्ञासु के सामने रखा। कबीर ने दूध का गिलास उठाया, गटागट गटागट दूध पी गए, आनंद के साथ पी गए। जिज्ञासु को कहा कि तुम भी पियो। जिज्ञासु ने जैसे ही मुंह में लिया, दूध थूक दिया उसने। बोली ये दूध है क्या, ये पागलों का घर है, पागलों का। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। बोले ये क्या उत्तर है, इतनी पत्नी पागल है क्या। बोले क्या, बोले दूध में नमक डाल के लाई है, शक्कर डालना चाहिए, चीनी डालना चाहिए, नमक डाल के लाई है। कबीर ने कहा उत्तर मिल गया। अरे बोले ये कोई उत्तर है क्या। कबीर ने कहा तो सुन, जाते जाते उत्तर सुन के जा, हम दोनों पति पत्नी के बीच में
प्रेम है, ध्यान रखना। हम दोनों पति पत्नी के बीच में समर्पण है, हमारे बीच में तर्क नहीं है। जब मैंने 12 बजे दिन में उससे लालटेन लाने को कहा तो पत्नी ने कोई प्रश्न नहीं किया, चुपचाप लालटेन रख के चली गई। जब पत्नी लालटेन लाने पे प्रश्न नहीं करती है तो धोखे से शक्कर की जगह नमक डल गया तो मैं भी उससे कोई प्रश्न नहीं किया करता हूं। और इतना ही ध्यान रख, यदि जीवन में आनंद को जीना है तो मैं भी बारामती वाले आपसे कह रहा हूं, एक कोटेशन में आपको दे रहा हूं, जहां दिन में 4 बार आपकी नजर पड़ती हो, दुकान में, ऑफिस में, घर में, मकान में, एक लाइन लिख के रखना, जहां दिन में 1000 बार देखते हो वहां लिख के रखना, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां नरक है। ध्यान रखिए, जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है, और जहां तर्क है वहां समर्पण से बड़ा सुख जीवन में कुछ नहीं हुआ करता है। जीवन में आनंद को बटोरना है, समर्पण होना चाहिए। एक गांव के गमारिया बाबा था, रात को 12 बजे अपनी झोपड़ी में बैठा था और अचानक चोर आ गए उसके घर में। अब जैसे ही चोर आए तो गमारिया बाबा ने कहा, कौन हो रे तुम? बोले, हम चोर हैं। तो चोरों ने पूछा, बाबा तुम कौन हो? बोले, हम भी चोर हैं। अरे बोले, चोर चोर मौसे रे भाई। बोले, तू भी चोर और हम भी चोर। बोले, उन चारों चोरों ने कहा कि बाबा अब तो अपनी खूब जमेगी। अरे बोले, बहुत जमेगी, तू भी चोर और मैं भी चोर। तो बोले, क्या करें? बोले, बाबा थोड़ी सी सहायता करो। बोले, क्या सहायता करें? बोले, मेरे साथ वृंदावन में चोरी करने के लिए चलिए। बाबा गमारिया बाबा ने कहा, चलो यार आज चोरी करते, मजा आ गया जिंदगी का। चारों चोरों को लेकर गमारिया बाबा वृंदावन पहुंचा, एक गोपी के घर में घुस गए। जैसे ही घुसे, सामान इकट्ठा किया, बांधा, पूरे आभूषण कपड़े बांध बूंद के तैयार। जैसे ही तीली जलाई, माचिस जलाई, एक ढोलक रखी हुई थी, गवारिया बाबा ने ढोलक उठाई और ढोलक बजाना शुरू कर दी जोर जोर से। अरे चोरों ने कहा, तेरा सत्यानाश हो, मरवाए रहा क्या तू ढोलक काय को बजा दिया है? चोरी कर रहा है, जरा सीरियस रहे, गंभीर रहे। अरे वो तो अपना बजा रहा है, मैया मोरी मैं नहीं माखन। अरे उसने कहा, यार ये मरवाएगा ये गमारिया बाबा, ये जोर जोर से ढोलक बजा रहा, नाच रहा है गमारिया बाबा जोर जोर से, आज मिल गया, आज मिल गया। अरे गांव के लोग उठ गए, 12 बजे रात को इतनी जोर से ढोलक बज रही है, चारों चोर भागे पोटली लेकर के। गांव वालों ने पकड़ा, इतना मारा चोरों को, इतना मारा कि चोरों की कमर टूट गई। लोग अंदर आए कि ढोलक कौन बजा रहा है? लोगों ने कहा, गंवारिया बाबा तुम ढोलक क्यों बजा रहे हो? अरे बोले, मिल गई तो बजा रहा हूं, मेरे को तो आनंद ही आनंद है जीवन में। बोले, ढोलक क्यों? बोले, वो चार चोर आए थे। बोले, हाँ। तो बोले, तुम क्या कर रहे थे? बोले, मैं भी चोरी करने आया था और तो ढोलक काहे को बजा लिया है? अरे ढोलक देख के मैंने सोचा यार हरि का भजन कर लूं, भगवान का भजन कर लूं। ए, तो बोले, ढोलक बजा रहे, तुम चोरी करने क्यों आए? बोले, वो चार चोर क्या चुरा के ले गए? अरे बोले, आभूषण ले गए, कपड़े ले गए। अरे गमारिया बाबा ने कहा, सत्यानाश मेरी बुद्धि का, रात को 12 बजे चार चोर आए तो मैं समझा कि वृंदावन में चोरी को कह रहे हैं, तो शायद माखन चोर आया होगा, इसलिए मैं उन चोरों में शामिल हो गया। ध्यान रखना, मैं तो माखन चुराने आया था कि हरि की कृपा बरस गई, हरि आए हैं और कह रहे हैं कि चलो बाबा माखन चुराने चलते हैं। ध्यान रखिए, मान्यवर सोचिए, ये आनंद है जीवन का। उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखिए, एक आदमी ने मुझसे पूछा कि बताओ महाराज, राम जी को वनवास हुआ, सीता जी बन क्यों गई? उनको तो दशरथ ने वनवास नहीं दिया। मैंने कहा, बिल्कुल सीता जी को वन में जाना चाहिए। बोले, क्यों? मैंने कहा, बहुत अच्छा निर्णय लिया, जिस घर में 3-3 सास हो उससे तो जंगल ही अच्छा है। क्या करती रह के 3-3 सास में, एक से तो चलता नहीं, उससे अच्छा जंगल में ही रहो। एक सेठ की 4 पत्नी थी और उन 4 पत्नी में वैसे चौथे नंबर की पत्नी से बहुत था। पहले नंबर की पत्नी को चाहता ही नहीं था, पहले को चाहता तो चौथी कहां से आती, चाहते नहीं था।
चौथे नंबर की पत्नी से उसे बहुत प्यार था, उस पत्नी के बिना वो रहता नहीं था, सारा समय सारा वक्त उस पत्नी के साथ ही वह गुजारता था। तीसरी पत्नी भी थी, उसे भी प्यार करता था, पर उतना नहीं जितना चौथी को करता। हाँ, जैसे तेरे घर की कहानी हो, देखे दो फिट का कह रहा चौथी तीसरी चौथी को करता था। इतने जल्दी पूरा प्रवचन इसको याद है। तीसरी पत्नी का भी प्यार, पहला दिन हंसते खेलते गुजरना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा सीरियस वाला मामला नहीं ले रहा। ऐसा प्रवचन करो जो बच्चों को भी समझ में आ जाए। तो चौथे नंबर की पत्नी को बहुत प्यार करता था, तीसरे नंबर की पत्नी को भी प्यार करता था, क्योंकि डरता था कि कहीं वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ भगाए या चली जाए, किसी और के साथ ना भाग जाए। डर था उसे कि ये मुझे छोड़कर के कहीं और जा सकती है, और ये कहीं और चली गई तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। पहले चौथी से प्यार है, दूसरे से प्यार है, प्यार इसलिए है कि ये मुझे छोड़कर कहीं और ना चली जाए। एक दूसरी पत्नी और थी, उसे तो थोड़ा कम प्यार करता, वह उससे थोड़ा कम लगाव था, वह सोचता था कि चलो ठीक है, कभी जभी बुरे दिनों में ये साथ दे देते हैं, कष्टों से उबार लेते हैं, संघर्ष से उबार लेते हैं, इसलिए थोड़ा सा प्यार इनसे रखना चाहिए। और चौथे एक नंबर की जो पत्नी थी, नंबर वन पत्नी से वह कभी भी प्यार नहीं करता था, लेकिन एक नंबर की पत्नी छोड़ने को तैयार नहीं थी, बड़ी ढीठ रही होगी कि तू जहां जाएगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया। पहली नंबर की पत्नी जो थी वह बड़ी ढीठ रही होगी, उसने कहा कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी चाहे तू कहीं भी चला जाए। एक दिन से को लगा कि चार पत्नियां हैं, एक दिन सेठ की अंतिम समय आया, मृत्यु का समय आया, बहुत जल्दी आ गया, चार पत्नी में तो जल्दी आएंगे, एक में ही मरे जा रहे हैं लोग। अंतिम समय आए, डॉक्टरों ने कहा कि बस दी एंड होने वाला है फिल्म का। तो उसने कहा कि भाई ये कैसे हो सकता है, मुझे चार पत्नियां छोड़कर जाना पड़ेंगी। बोले वो तो छोड़कर जाना पड़ेगी, तो बोले ऐसा करो कि मुझे, मैं जिस पत्नी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ उससे जाकर के पूछता हूँ कि मैं अब दुनिया से जा रहा हूँ और तू मेरे साथ चलेगी या नहीं चलेगी। बुलाया जिसे सबसे ज्यादा प्यार करता, कौन से नंबर की? हाँ, दूसरों की पत्नियों के नंबर जरूर याद होंगे तुम, भगवान का कौन सा नंबर ये नहीं मालूम होता। तो चौथे नंबर की पत्नी को बुलाया और बुला करके उससे पूछा कि मेरी मृत्यु का समय आ गया है, मेरे मरने का समय आ गया है, मेरे जीवन का अंत हो रहा है, और मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, क्या तू मेरे साथ? चौथे नंबर की पत्नी ने कहा, बोलो, नहीं जाऊंगी। क्या काहे को करा रहे बाबूजी को? ये वो कहे नहीं कहे, तो कह रहे कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। चौथे वाली बड़ी बेरुखी से कहा कि ध्यान रख, तू भले मुझे ज्यादा प्यार करता हो, ध्यान रखना जो सगा है वही जीवन का सबसे बड़ा दगा है, जो सगा होता है वही दगा दिया करता है, जिसे सबसे ज्यादा चाहते हैं वही दिल तोड़ा करता है। अरे दिल के छाले झुलसते हैं सीने के दाग से, और घर को आग लगती है घर के। सबसे ज्यादा जिसे प्यार करोगे वही धोखा देगा, ध्यान रखना। इसलिए ज्यादा प्यार व्यार मत करो, जाने वालों मेरे साथ चलो। बोले कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाता। अरे उसने कहा कि मैंने तुझे सबसे ज्यादा चाहा है, तेरे बिना मैं एक दिन भी नहीं। बोले रहा हो या नहीं रहा हो, तू बुढ़ा हो गया, तेरा समय खत्म। तो बोले तू क्या करेगी? बोले मेरा जो होगा होगा, तू अपना टेंशन ले, मेरे लफड़े में मत पड़। तू बड़ा दुख हुआ, काटो तो खून नहीं उसको, कि जिसके लिए जान दी, तीन पत्नियों से प्रेम नहीं किया। वो चौथी कहती है कि मैं तेरे साथ जाने वाली नहीं। उसने कहा चलो तीसरी को मारो वाली, तीसरी को मारो। तीसरी वाली से पूछा, तू मेरे साथ चलेगी? बोले मैं बहुत सुंदर हूँ, हर कोई मुझसे अट्रैक्ट रहता है, हर कोई मुझे पसंद करता है, मैं तो रास्ता देख रहा हूँ कि तू कब मरे और मैं दूसरे के साथ। अरे उसने कहा मुझे तुझसे नहीं डरता। बोले बस यही डरता तो समझ ले तू मरा कि मैं किसी और के साथ।
चली, कहाँ जाएगी? बोले कहीं भी चली जाऊंगी, मेरा कोई चरित्र नहीं है, मेरा कोई जीवन के संस्कार नहीं है। अरे मैं एक को छोड़ के दूसरे से प्यार करने लगती हूँ, एक को छोड़कर दूसरे से शादी कर लूंगी, और हो तो हो, तुझसे तो कर लियो, तू चला गया, तेरे लड़के से भी मेरा प्रेम हो गया है, अब कितनी चरित्रहीन होगी। देखो ऐसी कर रहे हैं, देखो जैसे इनके घर में बहू आ गई। बोले मैं किसी से भी शादी कर लूंगी। अरे उसने कहा ये भी बेवकूफ है, दूसरे नंबर की पत्नी को बोला चल तू। आदमी बड़ा होशियार है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, दूसरे नंबर की बुलाया, तू मेरे साथ चलेगा? अरे बोले हाँ, देखो तुमने चाहा तो मुझे नंबर दो में, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चाहती हूँ, चलो तुम्हारे साथ चलूंगी। बोले मैं जहां जाऊंगा वहां चलेगी? बोले नरक जाऊंगा तो नरक। अरे उसने नरक स्वर्ग का लफड़ा बड़ा कुछ नहीं है, जितना तूने प्यार किया उतना ही मिलेगा, चलूंगी थोड़े दूर तक। बोले ये बड़ा गड़बड़ है। बोले नहीं, तूने जितना साथ दिया उतना मैं भी दूंगी, तू कहे तो मर घट तक, उसके आगे तो अपना कोई लफड़ा नहीं, फूक फाक के आ जाएंगे, तू भी फ्री और मैं भी फ्री। अरे उसने कहा ये तीनों पत्नी मुझे नहीं चाहती है, बात क्या है, एक भी नहीं चाहती है। पूछा कि भाई तू मरघट तक जाएगी, आगे क्यों नहीं जाती है? बोले देख, तू सूरजमुखी मैं चंद्रमुखी, मैं दुस्से दुखी तू मुझसे दुखी, आ किसी बिल्डिंग से कूद के मर जाए, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। पहले नंबर की पत्नी जिसे बिल्कुल प्यार नहीं करता था, उसने देखा कि तीनों पत्नियों ने जवाब दे दिए, एक ने भी नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, एक नंबर पीछे से आवाज आई, इसे कोई तेरे साथ जाए या ना जाए, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। जारिया जी, पहली पत्नी का दर्द है, मैं तेरे साथ जरूर चलूंगी। तो बोले मैं नरक जाऊं, मैं नरक में भी चलूंगी, स्वर्ग में भी चलूंगी, तू कहे तो पशुपति, चारों पतियों में चलने को तैयार हूं। ये सोचना तुझे है, लेकिन मैं तेरे साथ हमेशा चलूंगी, तू नफरत कर तो भी तेरे साथ चलूंगी, और तू प्रेम करेगा तो भी तेरे साथ, मैं तेरा दामन कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे लोग सात जन्मों की कसम खाते हो, मैंने तो जन्म जन्म की कसम है तेरे साथ, मैं तेरा साथ कभी। सेठ की आंखें खुली, मैं जिसे नफरत करता था वो ही मुझे प्यार करता है। पूछा कि मैंने तुझे कभी प्यार की दृष्टि से नहीं देखा, तू फिर भी मेरा साथ देगी? बोली मैं बेवफा नहीं हूं, मैंने तुमको इतना चाहा जिसकी कोई ठाह नहीं है, और तुम चाहो तब मैं चाहूं, ऐसी मेरी चाह नहीं है। ईमानदार पत्नी रही होगी। सेठ की आंख खुली, ठीक ये पत्नी ने आवाज दी कि मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगी। मान्यवर चंदा प्रभु भगवान दंडोदक गिरा रहे हैं पत्नी के नाम को सुन करके, नहीं तो एक बार ऐसे ही हो गया केस, एक की पत्नी मरी वो उसका अंतिम संस्कार कर रहा, चिता जली, इतने में बिजली गरज गई, बादल गरजे, बिजली चमकी, पानी गिरने लगा, पति ने ऊपर देखा, बोले तहल कचरा लगता पहुंच गई। चोर शराबा शुरू हो गया, गई अब चिता जाए बाहर में, वो तो पहुंच गई। ऐसे ही लग रहा, पानी आने लगा है, पहुंच गई लगता, ध्यान रखिए। पूछा, मैं भी आपसे कह रहा हूं भगवान चंद्र प्रभु के दरबार में कि चार पत्नियां आप सबके पास हैं, आपके पास भी हैं, बच्चों के पास भी हैं, छोटे महाराज के पास भी हैं, भले ब्रह्मचारी हो बाल ब्रह्मचारी हो, चार पत्नियां मेरे पास भी हैं। ओहो, चार पत्नियां हर किसी को देकर के परमात्मा ने भेजा है, और आज मैं 1 जनवरी को एक बात कह रहा हूं कि 3 पत्नियों से प्यार करो या ना करो, पहली पत्नी से प्यार जरूर करना चाहिए। और जानते हो वो 4 नंबर की पत्नी जिसे सेठ बहुत प्यार करता था, और उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, वह पत्नी है हमारा शरीर, जो दुनिया में आता तो है लेकिन जाता हमारे साथ नहीं है। और आदमी जिंदगी भर इस शरीर से प्यार करता है, पूरा जीवन इस शरीर के लिए निछावर कर दिया करता है, लेकिन वह शरीर कहता है कि तू कितना भी प्यार कर ले, तू कितना भी मेरे लिए वक्त लगा दे।
दे, लेकिन मैं तेरे साथ अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरा जो स्वभाव है वह कभी भी बदलने वाला। दूसरा, पत्नी जो कहती है कि मैं बेवफा हूँ, आज तेरे साथ कल किसी और के साथ, वह धन दौलत की पत्नी हमारे मरते किसी और की झोली में चली जाती है, किसी और की तिजोरी में चली जाती है, किसी और के साथ चली जाती है। दूसरा, प्यार हमारा उसी से होता है। और तीसरी, जो पत्नी हुआ करती है जो कहती है कि लोक लाज से मरघट तक चलूंगी, वह है हमारे नाते रिश्तेदार जो मरघट के आगे हमारे साथ नहीं जाते हैं। और एक पत्नी है जिसकी हम जीवन मर उपेक्षा करते हैं, वह है हमारी आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहने को तैयार रहा करती है।